नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण सह मु बिस्नी प्रथम हेडलाइंस। राज्य में भयंकर स्थिति रे कोरोना आउ चारि मुंडनला महामारी आज 3144 पॉजिटिव क्वारंटाइन डू 1823 लोकल केस रही 1321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 होता बेले बचक रही खोर्धा। आज कठोर हला कोरोना कटकणा 20 जिले में नाइट कर्फ्यू राति 9 सका 5 जाए घर बाहर मना 10 सीमांत जिले में सप्ताहत सटडाउन नियम न मानिले कड़ा कार्यानुषान। आज और का श्रीमंदिर बंद बाहर भक्तों पर कठोर हला नियम एंट्री दरकार 72 घंटार आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दुईट पर्याय टीकाकरण नहीं दर्शन। गैंगस्टर प्रेम में तीन युवती फेरार पर भी प्रेमिका सह फोन गपुला हायदर नंबर ट्राक कर तेलंगानु गैंगस्टर को धरला पुलिस सेपटे हायदर पजिट पर रिमांड स्थगित। पुह पछे पछे माँ चलीगला कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज माँ क्षेत्रमणि देहांत भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल परलोक। भांगिला राज्य सरकार को निद बहु बाद विवाद पर बरगड़ी कैंसर हॉस्पिटल को मंजूरी खर्च हेब 10,49,21,000 टंका। एवं आईपीएल महोत्सव अष्टम मैच रे पंजाब को चेतकला चेन्नई 6 विकेट रे पंजाब को हराइला चेन्नई सुपर किंग्स। राज्य में भयंकर कोरोना स्थिति आउ चारि मुंड नेला महामारी आज राज्य में 3144 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटाइन सेंटर रही 1823 लोकल केस रही 1321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धार 497 नुआपड़ 395 पॉजिटिव बाहर बरगड़ 156 संबलपुर 149 केन्दुझर 128 पुरी 129 आक्रांत चिन्हट होते से झारसुगुड़ 119 नवरंगपुर 96 बलांगीर 92 जाजपुर 76 गजपति 67 गंजाम 44 पॉजिटिव बाहर भद्रक 51 अनुगुल 49 आक्रांत चिन्हट होते मिसाई राज्य मोट आक्रांत संख्या बढ़ी बढ़ी चलिए। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन जोड़ प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। दिव्य अधिक भय बढ़ुच्छे कहीं आक्रांत संख्या जो मात्रा बढ़ुच्छे ठीक से हीपरी मृत्यु संख्या बढ़ुच्छे आज चार मुंड नहीं महामारी अंपटे आज 3144 पॉजिटिव चिन्हट होती अंपटे सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 होता बेले पछक रही खोर्धा और नुआपड़ा। देखो निश्चित भाव जो संख्या आसुची आपको नहीं कौन ना लोक मैंने सचेतन होजार आवश्यक रही दिन कु दिन परिसंख्यान पारामीटर ऊपर को बढ़ुची आप देखिए ये जो परिसंख्यान आज आसी दैनिक संक्रमण हिसाब से गत 24 घंटा 1344 नुआ संक्रमण चिन्हट होती तन्मधे सुंदरगढ़ खोर्धा नुआपड़ा एटी स्थिति भयंकर अच्छी एक जो परिसंख्यान प्रमाणित होती देखो सुंदरगढ़ 523 संख्या चिन्हट होता बेले खोर्धार 497 नुआपड़े 395 अर्थात सबुठी 500 पाखापाखि संक्रमित चिन्हट होती अंपटे 6 जिले संक्रमित संख्या 100 ऊपर रही 7 जिले संक्रमित संख्या 50 ऊपर रही सब बड़ कथा यार भी देखिए विगत 17 दिन भितर 23,677 संक्रमित चिन्हट हो सारे अर्थात परिसंख्यान कहती 17 दिन भितर जदि एति संक्रमित चिन्हट होती है एप्रिल मास शेष सुधा अति कम 50,000 ऊर्ध संक्रमित चिन्हट हे तो जो भाई आकलन पूर्व थिला जे अप्रैल मे सुधा ये परिसंख्यान बढ़ो मे मस बेलू पिक को जीव जदि पिक को न जाए जदि यह परिसंख्यान रुहे यह आहरी चिंता बढ़ाब जहाँ को नहीं राज्य सरकार तत्पर होती आप देखिए जो सीमांतवर्ती जिला गुड़िक रही छत्तीसगढ़ सीमा जिला गुड़िक रही सेठी आज नाइट कर्फ्यू आरंभ होती सटडाउन सप्ताह सटडाउन कराई संख्या बढ़ुच्छी भाव में मृत्यु संख्या बढ़ुच्छी सूचना दूसरे कि आज कठोर होती कोरोना कटकणा अर्थात 20 जिले में नाइट कर्फ्यू होता बेले आज राति 9 सका 5 जाए जहाँ सूचना रही कि घर बाहर मना रही अर्थात 10 सीमांत जिले में सप्ताह तो सटडाउन रही है काफी रही कि देखिए जो भाई भाव में परिसंख्यान बढ़ुची से ही अनुपात में मृत्यु संख्या बढ़ुची आज जो मृत्यु संख्या आसी गत काली तीन जन मुंड नहीं राज्य कोरोना किंतु आज आहरी गोटे संख्या बढ़ी राज्य में आज
चारि मुंड नेइछि कोरोना जेउथिरे देखिबे बलांगीर झारसुगुडा कलाहांडी संबलपुर जणे लेखे संक्रमितक मृत्यु होइछि तो मोट मृत्यु संख्या वर्तमान 1942 रे पहुंचिछि एवं आउ गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा मुं कहुछि तापर फेरी भी सरकार पदक्षेप कौन रहिछि से विषय आपण कहिबी आउ गोटे कथा आज सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आज रेड जोन को आउ दुई जिला राज्यर दुई जिला आज रेड जोन को जाइछि जेउथिरे आपण देखिबे संबलपुर नुआपड़ा जोड़ी पूर्व खोर्धा सुंदरगढ़ रेड जोन को जाते हैं आज संबलपुर नुआपड़ा जोड़ी वर्तमान देखिए वर्तमान सुधा राज्य सात जिला येलो जोन रही बरगढ़ कलाहांडी कटक पुरी बलांगीर नवरंगपुर बालेश्वर ये सब जिला वर्तमान येलो जोन रही आपण जो कथा कहते सरकार पदक्षेप काफी हे कि ना देखु सरकार जो पदक्षेप ने लोक मान सचेतन ने लोक मान जब सचेतन हे धीरे धीरे आम ये ब्रेक चेन ब्रेक दे परिबा यदि लोक मैंने सचेतन न हे अमानिया हे तो जो चेन ब्रेक कथा कहा संभव हे ना ये संक्रमण द्रुत गति आगे बढ़ो आपण मध्यप्रदेश कथा देखी दिखु आप छत्तीसगढ़ उदाहरण नियंतु गुजरात उदाहरण नियंतु से जो परिस्थिति सृष्टि से अणायत परिस्थित अच्छी सरकार सेठाकर सरकार यहाँ आयत्त कर सफल हो पार ना तो वर्तमान आम राज्य सरकार प्रारंभिक पर्यायर किसी पदक्षेप नहीं लोक मैंने न मानुन आहरी कठोर कठोर पदक्षेप ग्रहण कर लॉकडाउन कड़ाकड़ी भावे पारे एभली किसी योजना सरकार रही सहित सब बड़ कथा हूँ आमर जो स्वास्थ्य व्यवस्था भित्तिमि रही जदि परिसंख्यान अनुसार देखा तालोले गोटे प्रकार असंभव पड़ो आगामी दिन अणायत तो हम सहित लोक मान स्वास्थ्य सेवा जोगा देवा असंभव पड़ो जमी गुजरात देखिए मध्यप्रदेश देखिए लोक मैंने बेड पा ना से स्थिति सिचुएसन हम लोक मान अणदेखा खामख्याल मनोभाव सामना को आस राज्य में कठोर है कोविड कटकणा आज 20 जिलार सहरांचल नाइट कर्फ्यू राति 9 सका 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू रहा पूर्व नाइट कर्फ्यू चली अगर 10 जिले में संध्या 6 सका 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू रइट कर्फ्यू समय समस्त अत्यावश्यक सेवा जारी रहीपरी सीमांत 10 जिले में आज और आसंका सप्ताहत सटडाउन लागू होीमांतवर्त जिलागुड़ को नहीं अधिक सतर्क होती सरकार छत्तीसगढ़ पटु संक्रमण भय थिबारु पश्चिम ओडिशार जिलागुड़िक निज सीमा सिल करछन्ते पड़ोसी राज्य मानक बढ़ुता कोरोना स्थिति उद्वेगजनक रही कारण सीमांत कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कर तेज संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित कलाहांडी जोड़ी प्रतिनिधि जशमंत अच्छा जशमंत जो सूचना मध्य रही कि आज ठारू कोरोना कटकणा अर्थात कठोर करा जाई तेज 10 सीमांत जिले में सप्ताहत सटडाउन रही है कलाहांडी जिला मध्य आसुची कि आज स्थिति हाँ निश्चित भाव में विस्मय देखो जो भाई भाव में कोरोना पॉजिटिव संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी दृष्टि रखी सरकार गोटे प्रकार ठोस पदक्षेप नहीं जो सारा राज्यर कथा जो कह कि जो पश्चिम ओडिशार 10 जिला कथा कह पश्चिम ओडिशार जो 10 जिला अच्छे जो नाइट कर्फ्यू कर जो राति 9 संध्या 5 पर्यंत से समय को परिवर्तन कर संध्या 6 सका 5 पर्यंत करूँ जो रेड जोन कथा जब आम कह कि जो सीमांत अंचल कथा जब कह शनिवार रविवार दुई दिन पूरा सप्ताह तो सटडाउन कराई भवानीपाटना सहर में पूरा सटडाउन होती कलाहांडी जिले में पूरा सटडाउन होती आम अच्छे बर्तमान भवानीपाटना सहर स्टेच्यू छक पाखे आप देख पारे जे कि भाव में दुकान बजार पूरा बंद कर जो अमानिया मैंने अच्छा से विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान पुलिस प्रशासन पक्ष पूरा पदक्षेप नि जो मैंने अमानिया भी अच्छा विरुद्ध उद्वेग आड़क जाए समस्त चिंता प्रकट करते कोरोनार प्रथम लहर थी आम से देखी कि लॉकडाउन सटडाउन स्थिति वर्तमान सटडाउन करा जाई छी तबे प्रथम पर्याय जो सटडाउन होइतिला ताकू केते दूर लोक माने मानुथले वर्तमान जो स्थिति रही छी साधारण लोक माने एगु गंभीरता नउछंती कि हाँ निश्चित भाव में विस्मय यहाँ को लेकिन प्रशासन गोटे प्रकार तत्पर अच्छे जो मैंने अमान्य अच्छा से विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान कर देखिपे भवानीपाटना टाउन थाना आईएसी सत्यनंद अच्छा कि भाव में जो दुईदिनिया सटडाउन करी भाव में गुरुत्व दे लोक मानक सचेतन करूँगी भी अमानिया अच्छा से फाइन आदाय कर गत कालीर कथा जब कह पाखापाखि 40,000 टंका फाइन आदाय कर आईएसी संगे कथा सर कौन कहे आज दुईदिनिया सटडाउन कर सब व्यवस्था कर जो
2 ଦିନିଆ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଆଜି 5:00 ଆମେ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନକୁ କାଲି ଗତକାଲି ଆମେ ମିଟିଂ ବି ରଖିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ବୋଲି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନା ବଢ଼ିଛି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାର୍କେଟଟା ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ କାଁ ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜରୁରୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ମାସ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି କରାହେଉଛି। ଏବଂ ୱିକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିନିମମ୍ ମାସ୍କ ବି ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କାଟିବୁ ଯଦି ଅମାନିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜରୁରୀ ବା ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସହରରେ ପୋଲିସ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାତି 10:00 ରୁ 5:00 ଯାଏଁ ଆଜିଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ରୁ 5:00 ଯାଏଁ ପୁରା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସହରରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବିସ୍ମୟୀ, ଇଏ ଥିଲେ ଟାଉନ୍ ଆଇସି ସତ୍ୟକୁମାର ନନ୍ଦ, ଯିଏକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅମାନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣତେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଯଦି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଦିନର ଭିତରେ ଯେଉଁ 1100 ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା। ବିସ୍ମୟୀ, ତେବେ ଯଶମନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକା ଜୀବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲି ବି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ସିଧା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବଣିକ ସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି ସେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜୀବିକା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି କିଛିଟା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିସ୍ମୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠୁ କଠୋର ହୋଇଛି କରୋନା କଟକଣା, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚିତ୍ର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗାଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତମାନେ କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେପଟେ କୁମ୍ଭମେଳା ଯାଇଥିବା ଶତାଧିକ ସେବାୟତଙ୍କର ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେହିପରି ପୂର୍ବଭଳି ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ହେବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ ନେଇ ଗଠନ ହେବ 3ଟି ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍, RT-PCR ଟେଷ୍ଟରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ହାଇଦରକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ହାଇଦରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ହାଇଦର ପଜିଟିଭ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ରିମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଫେରାର ହାଇଦରର ସୁରାକ ଦେଇଥିଲା ତା ନିଜ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ହାଇଦର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଯୁବତୀ। ଫେରାର ପରେ ବି ହାଇଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଲଗାତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହୁଥିଲା।
हाइदर्रे जने प्रेमिकांको फोन कॉल को जांच करू करू राज्य बाहर 6 नंबर तांको पाखकु फोन आसुथिबा जानिबाकु पाइथिला पुलिस एवं एही नंबर टी तेलंगाना रो बोले स्पष्ट होइथिला। एहा परे पुलिस तीनोटी जाक नंबर को सर्विलांस को नेबा परे अन्य दुईटी नंबर बाबदरे सुराग मिलिथिला। 13 तारीख सुधा पुलिस को हाइदर गतिविधि सबस सूचना मिलबा परे सही दिन ही तेलंगाना जाइथिला कटक कमिश्नरेट पुलिस रा एक टीम। हेले पुलिस सेठारे पहुंचबा बेलकु हाइदर तेलंगाना रा निज ठिकाना छाडी सांगारुडी जिला को चले जाइथिला। हेले प्रेमिका मानक स वार्तालाप किंतु जारी रहिथिला एवं सही फोन कॉल लोकेशन डिटेल पाइबा परे 15 तारीख संध्या बेले हाइदर को काबू करथिला पुलिस। बड़ कथा हेउछि गैंगस्टर प्रेमरे पड़ितबा तीन युवती मधुर जनक वयस 18 वर्ष होइतबा बेले आउ दुई जनक वयस यथाक्रमे रहिछि 22 एवं 26। एमानक मधुर जने भोगराई बालेश्वर बासिंदा होइतबा बेले जने पटामुंडाई एवं आउ जने महंगा बासिंदा। रोचक कथा एही कि जे एही तीन जन युवती को हाइदर भल पाउथिला सत किंतु काहाकु भी अन्य दुई जनक बाबदरे अवगत कराइ नथिला। ग्यांगस्टर गाय पछरे कहार हात एते बड़ घटना पछरे जेल विभाग रो भूमिका को नहीं प्रश्न किंतु मुखियांको मुहरे तुंडे गोटिए पटे छोटे को निलंबन करा जायछि सेपटे बड़ बडियांको विरोध रे ना तदंत हेउछि ना कार्यनुष्ठा। एबोल स्थिति रे संतोष को केस रक्षा देउछि ताकु नै उठिछि प्रश्न कहि कि चुप बसिछंती संतोष उपाध्याय। संतोष उपाध्याय को भूमिका एबे संध्या घेररे संबलपुर जेल रु हाइदर आसीथिबा बेले कहीं कमिशनरेट पुलिस को दिया जाई नथिला खबर। एते बड़ ग्यांगस्टर आसीबा बेले जो एसओपी पालन करा जिबा कथा तहा कहीं करा जाई नथिला। आउ जेल विभाग हाइदर को चिकित्सा पाई जदि कटक बड़ मेडिकल को आनीथिले तहेले आवश्यकीय सुरक्षा व्यवस्था कहीं करि नथिले। अन्यपक्षरे जो पुलिस कर्मचारी मानकु सुरक्षा दायित्व रे रखा जाईथिला तारा मॉनिटरिंग करिथिले संतोष उपाध्याय। कहा परामर्श रे सुरक्षा दायित्व रे थिबा सुरक्षा कर्मी लॉज रे रहउथिले। याकु नै प्रश्न उठितबा बळे विभाग को आसिछंती जेल विभाग डीजी संतोष उपाध्याय। एते बडो गैंगस्टर को जने सुरक्षा कर्मी केमिति सुरक्षा देबो यार हिसाब कोन संतोष उपाध्याय को जणा नथिला। कमिश्नरेट पुलिस रो सहायता काहे कि नेले नाही संतोष उपाध्याय। आउ ग्यांगस्टर कटक बड़ मेडिकल को आसीथिबार खबर डीजीपी अभय को जणाइथिले कि संतोष उपाध्याय बाबू। याकु नै बड़ प्रश्न सृष्टि होइथिबा बेले विवाद घेर को आसीछंती जेल विभाग डीजी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बहु बाद विवाद प्रतिवाद परे भांगिला राज्य सरकार को निद। बरगड़ी कैंसर हॉस्पिटल को मिलला राज्य सरकार को मंजूरी। एने खर्च हेबो 10,49,21,000 टंका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग हॉस्पिटल निर्माण को अनुमोदन देछे। खोर्धा जिला कुहुड़ी अंचल गुरु बोझे पिकअप जबत हो गाड़ी 10 गुरु जबत सह जन को अटक रखी पुलिस। गोचालाण नहीं खबर मिलवा पर एसडीओ नेतृत्व में पुलिस कुहुड़ी अंचल चढ़ाव कर गुरु बोझे गाड़ी को काबू कर पुलिस। छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन को चलाचल बंद नहीं पुणी चिठी लिखिले राज्य सरकार। मुख्य शासन सचिव एने केन्द्रीय गृह सचिव को चिठी लिखिंट 18 स्वतंत्र ट्रेन छत्तीसगढ़ ओडिशा मधे यात्रा करुचे। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बढ़ुता संक्रमण को दृष्टि रखी चलाचल बंद करने को अनुरोध कर राज्य सरकार। अति कम्रे 15 दिन ट्रेन चलाचल बंद करने को अपील कर मुख्य शासन सचिव। पूर्व छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन चलाचल बंद करने रेल मंत्रालय को चिठी लिखिते राज्य सरकार किंतु रेल मंत्रालय तरफ यह अग्राह्य कर दि जाइनथिला।
मोदी सरकार को आउ एक बड़ सफलता भारत फेर पलातक हीरा व्यवसायी नीरव मोदी ब्रिटेन गृह विभाग नीरव मोदी भारत प्रत्यार्पण को अनुमोदन प्रदान करिछन्ते। सीबीआई रो अधिकारी शुक्रवार सूचना देछन्ते गत फेब्रुवारी 25 तारीख रे लंडन रो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट नीरव मोदी प्रत्यार्पण पाई अनुमति प्रदान करथिले। खूब शीघ्र यूके रु भारत आसीब पलातक स्काम स्टार नीरव मोदी प्रत्यार्पण आदेश रे दस्तखत करिछंती यूके रो गृह सचिव पूर्वरु अनुमति दे सारिथिले यूके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट तबे यूके रो आईन एथि पई साजी परे सामान्य प्रतिबंधक भारत रो पलायन करी यूके रे आत्मगोपन करितबा गहना व्यवसायी तथा स्कैमस्टर नीरव मोदी को भारत अणाजिबार रास्ता एबे सहज होईछि। खूब शीघ्र भारत अणाजाई एठारे ताहार विचार हेबार संभावना सृष्टि होईछि। नीरव मोदी प्रत्यार्पण पाई अटकी आदेश ऑफिशियल मोहर मारी यूके रो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल पूर्व भारत तरफ प्रत्यार्पण होता आवेदन को ग्रहण करी यूके रो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ताको नियम हिसाब से शेष सहमति पाई पठाई होम सेक्रेटरी पाखक एवं होम सेक्रेटरी से मोहर मारी एणिकी पलातक अभियुक्त को भारत आनी तार विचार करने सहज होमान तेबे यूके रो आईन एथिपाई साजी पारे सामान्य प्रतिबंधक सेठाकार आईन हिसाब रे होम सेक्रेटरी को आदेश विरुद्ध रे जणे अभियुक्त 28 दिन भितर हाईकोर्ट रे अपील किंबा चैलेंज करि परंती। नीरव मोदी निजर सुरक्षा पई सेहिभली कले हाईकोर्ट एहार विचार पई पुणी किछि मास समय नै परंती जा पूर्वरो विजय माल्या घटना रे मध्य देखिबा को मिलछि एभली हेले पुणी विलंब होईपारे नीरव मोदी को भारत आनिबार प्रक्रिया अलंकार व्यवसायी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक रो लोन स्काम सहित प्राय 14,000 कोटी टंकार मनी लॉन्डरिंग अपराध रे अभियुक्त रही फरार अछि। भारतीय कोर्ट रे तार विचार हेबाकु थिबा बेले से आश्रय नैछि यूके रे सेठाकर आईन हिसाब रे सहज हेउनी प्रत्यार्पण प्रक्रिया तबे जदि तार चैलेंज को यूके रो हाईकोर्ट अग्राह्य करंती तबे खूब शीघ्र भारत आसी पारे नीरव मोदी। समस्त छिब्रणी रखा अधिक आपन विजिट करें वेबसाइट अर्गस न्यूज़।